हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अंकल बेन के बारे में। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की मूवी में सबसे जो खास और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्पाइडरमैन की लाइफ में, वो है अंकल बे और आंट मे। ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि स्पाइडरमैन के साथ हमेशा साथ रहे हैं। देन उसके बाद हमें स्पाइडरमैन की मूवी में कहीं पर भी अंकल बेन का नाम सुनने को नहीं मिला। फाइनली सेकंड पार्ट का भी हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें कि हमें छोटा सा क्लू मिला, एक छोटे से ब्रीफकेस यानी कि एक छोटी सी अटैची में, जिसके ऊपर लिख रहा था शॉर्ट फॉर्म में BFP यानी कि बेन एफ पार्कर। ये उनका एक शॉर्ट नेम है जो कि हमें इस मूवी में छोटे से ईस्टर एग को देख के मिलता है। फाइनली स्पाइडरमैन के डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले पार्ट में ये चीज क्लियर कर दी थी कि अंकल बेन को ना दिखाने का बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो फाइनली उन्होंने ये बात बिल्कुल सच बोली और हमें पहले ही ट्रेलर में ये सब चीजें देखने को मिली। और पॉसिबिलिटी होगी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में अंकल बेन का एक कैमियो हो और देन इसकी स्टोरी हमें थर्ड पार्ट में देखने को मिले। और आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन का जो थर्ड पार्ट है वो 2021 में रिलीज होगा, पॉसिबिलिटी जो रूमर्स आ रहे हैं। जल्दी ही हमें स्पाइडरमैन का थर्ड पार्ट देखने को मिल जाएगा। अब स्पाइडरमैन की मूवी में जब अंकल बेन का एक छोटा सा हमें क्लू देखने को मिल चुका है, तो 100% पॉसिबिलिटी रूमर के हिसाब से ये भी पता चला है कि इनका एक छोटा सा कैमियो होगा और इसकी काफी बड़ी मिस्ट्री होगी कि वो एक्चुअल में कहां पर थे। और जो ब्रीफकेस आपने देखा वो अंकल बेन का था जो कि उस पे नाम लिख रहा था शॉर्ट में। तो काफी लोगों को ये बात पता नहीं चली पहले ट्रेलर में, बट मेरा काम था इस चीज को क्लियर करना। और देन जल्दी ही मैं इसका ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि हर एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो रिलीज करो। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करो। और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर ब्लैक वीडियो के हाथ मारो या पैर मारो। और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।